आने वाले ना या कोई तुष्ट आए आने वाले सराजम मुनीरा लकब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले अब आओ बसीरत की आंखें तो खोलो गुजारी से सांपों से महफूज हो लो बरेली के साए में आकर ये बोलो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो ये रास्ते में है जा मजा खाने वाले ये उनकी नमाजें ये तस्बीह हिलाना ये कलमा पढ़ाना ये खाके बनाना उनका धोखा है धोखा ना खाना रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना कहां तुमने देखे हैं चंद्रा कभी आपने देखा होगा 40 दिन के चिल्ला में इतना बड़ा सा घट्टा हो जाता है देखा कि नहीं देखा नहीं देखा 40 दिन के चिल्ला में इतना बड़ा घट्टा इमाम साहब की बुला लो देखिए जब से मदरसे में पढ़ रहे हैं नमाज पढ़ा रहे पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह पेशानी में रोशनी हमारे हजरत हाँ जिस खानदान आला से है अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं सुबह चेहरा देखो है सुभान अल्लाह लेकिन 40 दिन के चिल्ले में मैंने कहा भाई साहब बड़ा जल्दी हो गया का इन मैदाने में सर में चमके न हमने कहा जब यही बुता गया तो वहां का चमके भाई इस हैलोजन से कलेक्शन काट दो हैलोजन बुझ जाएगा कलेक्शन तोड़ दो जल जाएगा अगर ये फ्यूज हो तो क्या 440 लगाने के बाद भी जलेगा बोलो ना जलेगा तो जब यही फ्यूज हो गया तो वहां क्या जलेगा साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कल मैदान महशर में आदम की उम्मतें होंगी यहया की उम्मतें होंगी जकरिया की उम्मतें होंगी ए प्यारे आका तमाम नबियों की उम्मतें होंगी या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानोगे मेरे आका फरमाते हैं गरुल मुहज्जिरीन मेरी उम्मत चित कपड़े घोड़े की मानिंद होगी यानी आजाए वजूद चमकता होगा आजाए वजूद तो खाली जुमा जुमा बनाने से चमकेगा बोलिए खाली जुमा जुमा वजू बनाएंगे तो चमकेगा हजरत अबू हुरैरा ने जब ये हदीस सुनी तो यहां तक धोने लगे अकेले में जब होते यहां तक धोने लगे कहा यहां तक चमकेगा सुभान कल महशर में आका के गुलामों के आजाए वजू चमकेंगे और मुखालिफिन के खट्टे गमकेंगे सुनिएगा कि खत्म करो सुनिएगा हाँ दरुदे पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना है इश्क़े मुस्तफा रोज हुज़ूर करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा नबी की मोहब्बत जाने ईमान है सही है कि नहीं नबी की मोहब्बत जाने ईमान है आपको हर तरह के लोग मिलेंगे लेकिन ख्याल रखना जिस किसी ने किसी पीरे आजम के हाथ पर हाथ रख दिया उसे दुनिया की कोई भी ताकत डैमेज नहीं कर सकती लेकिन इसका ख्याल रखना ऐसे पीर के हाथ में हाथ मत देना जो शरीयत की मुखालफत करता है जो शरीयत का पाबंद है जिस खानकाह का भी है मेरा सरकार ताज है किसी खानकाह का भी है शरीयत आमिलो आमिल है और ना मार्केट में ढोंगी फिर वो खून है बहुत पहन करके 20 गांव उठी पहन करके चमका रहे हैं हम बड़का पी है अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल है कहिए ना सुभान अल्लाह चेहरे मुबारक की ज्यारत कीजिए नसीब सबका इतना अच्छा नहीं होता है आले रसूल पे बात आई तो एक बात बता दूं ना बोलिए ना हां हूं बोलिएगा हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना नहीं सुना अल्लाह जुनैद सुभान अल्लाह बड़े पहलवान हैं बहुत मैदान में जब आते तो मुकाबले में कोई खड़ा ना हो पाता ऐलान होता है कोई जो जुनैद से मुकाबला करे है कोई जो जुनैद से मुकाबला करे एक दुबला पतला इंसान मजमे को चीरता हुआ मैदान में आया कहा मैं जुनैद से मुकाबला करूंगा इधर देखो बड़े भाई शैतान ये चाय को मत देखो वाला मसला क्या है हजरत अच्छी मजलिसों में शैतान टारगेट में लगता है ये शैतान का टारगेट है क्या शैतान टारगेट में लेता है अगर दिल बार भाई मैं बता दूं तो बहुत बढ़िया रहेगा शैतान टारगेट बता दो ना शैतान का टारगेट सुनिएगा हाँ नेकी करवा के भी डुबा देगा हजरत अमीर माविया का नाम सुना सुना ना हजरत अमीर माविया कहिए ना सुभान अल्लाह कातिबे वही है रसूल पाक के साले हैं सुभान अल्लाह बड़े प्यारे सहाबी हैं एक दिन ना फजर कजा हो गई फजर अपनी तो रोज कजा होती कोई लफड़ा है क्या बोली रहे क्या कभी कभी इमाम साहब को अपने अजान देना अपने अकामत कहना अपने जमात करना और अगर इमाम साहब नहीं रहे जैसे जलसे के दिनों में मैं नहीं रह पाता हूँ मैं भी मस्जिद का इमाम हूँ एक साहब पूछने लगे हजरत आज खान फजर में नहीं रह रहे
हमने कहा आप आ रहे हैं का बोले सर बैठे टेंडर बना अपने नहीं पढ़ेगा हमारे बारे पूरा पूछ रहा है। फजर की नमाज कदा हो गई इतना रोया कि रब के तरफ से एक के बदले 100 का सवाब कहिए ना सुभान अल्लाह। अब दूसरे दिन भोरे भोरे इबलीस पहुंचा दरवाजा खटखटाया कहा कौन कहा इबलीस क्या बात है फजर पढ़ लीजिए क्या कहा फजर पढ़ लीजिए बोले ये काम कब से कासिकों से यही करिएगा का मतलब कल आप नहीं पढ़े थे इतना राजी किया कि एक के बदले 100 का सवाब मिला इसलिए एक ही लीजिए। इबलीस नहीं चाहता कि अच्छा कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ईद बकरीद में तो नहीं ईद में इमाम साहब को लोग कपड़ा देते हैं आप लोग देते हैं कमेटी के अलावा भी कुछ लोग देते हैं तो वो ऐसा देते हैं मत पूछिए 6 महीने के बाद अगर वो कपड़ा इमाम साहब पहने हजरत वही कपड़ा पहने हाँ दुकानदार बोला था कि बढ़िया देंगे यानी बता रहा है कि हम ही दिए हाँ ये टारगेट है शैतान का क्या है हाँ शैतान का टारगेट कोई गरीब दरवाजे पर आया 100 रुपया दे दिया आएगा ये बात खत्म हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई चौराहा पे आया था गरीब आदमी दे